एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। फाइनली लास्ट इवनिंग मैंने इंदु की जवानी फिल्म देख ली। एक थिएटर से दूसरा थिएटर, दूसरे से तीसरे थिएटर में घूम घूम कर फाइनली आई गॉट अ चांस टू वॉच इंदु की जवानी। इसके पहले कि मेरा बूढ़ा पा जाता, इंदु की जवानी देखने को मुझे मिल गई। और आफ्टर वॉचिंग द फिल्म मैंने अपना सर दीवार पे पटकाए कि ये फिल्म देखने में क्यों आया। द फिल्म इज पथेटिक, इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर। ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा कि पिक्चर के जो राइटर डायरेक्टर क्या दिखाना चाहते हैं। आधे मेकिंग अ पेट्रोटिक फिल्म, इंडिया पाकिस्तान, अ सेक्स कॉमेडी, अ कॉमेडी फिल्म, अ यूथ फिल्म, गॉड नोज। मेरे हिसाब से जो पिक्चर के स्क्रीन पे राइटर है और डायरेक्टर है, उनको भूषण कुमार के खर्चे पे आगरा भेजना चाहिए उनका इलाज करने के लिए, ताकि इलाज होने के बाद वो ऑडियंस को समझा सके कि व्हाट इज़ ही प्लानिंग टू शो इन इंदु की जवानी। सो मैनी प्रोड्यूसर्स इन वन फिल्म, जैसे अंग्रेजी में कहावत है टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द सूप, यही हुआ है। इतने सारे प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर, इतने सारे प्रोड्यूसर मिलके भी एक अच्छी कहानी कुछ कर नहीं पाए, तो फिल्म इज अ टोटल फ्लॉप। चार पांच म्यूजिक डायरेक्टर और क्या कमाल के गाने खराब किए हैं उन्होंने, एक भी गाना सुपरहिट नहीं, सब के सब डिजास्टर गाने। ये फिल्म मैं देखने गया तो पहले मॉर्निंग शो आफ्टरनून शो तो कैंसिल हो गए, तो अब पता चला वाई द ऑडियंस आर नॉट कमिंग टू वॉच दिस फिल्म इन थिएटर। अगर ये फिल्म और चलेगी ना तो जो प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है ना फार्मर लोग का, वो ही प्रोटेस्ट मुंबई में हो जाएगा इस पिक्चर को थिएटर में से उतारने के लिए। हो सकता है भारत बंद भी हो जाए, आई एम सॉरी किडिंग, भारत बंद तो नहीं होगा, लेकिन इंदु की जवानी और वैसी फिल्में अगर थिएटर में आएगी तो थिएटर ज़रूर बंद हो जाएगी दोबारा। कुछ थिएटर तो ऑलरेडी बंद हो गए बिकॉज देर इज ज़ीरो ऑडियंस। तो ये पिक्चर इतनी घटिया बनाई है कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि ये व्हाट आर दे मेकर्स ट्राइंग टू से। परफॉर्मेंस की बात करें तो कियर आडवाणी लुक्स वेरी प्रिटी, काम भी काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन स्क्रीन प्ले इतना वीक है कि ऑडियंस को ऐसा लग रहा है क्या मज़ा नहीं आ रहा है, ऑडियंस जो पिक्चर पकड़ नहीं पाती ऑडियंस को। इसी वजह से कियर आडवाणी का जो परफॉर्मेंस है वो भी दब जाता है। हालांकि इस उन्होंने जैसे कबीर सिंह में काफ़ी बोल्ड सीन्स दिए, किसिंग विसिंग सीन्स दिए, बट दैट वाज पिक्चर की मांग थी और वो सुपर हिट फिल्म, उसका स्क्रीन पे एकदम टाइट था। सेम विद गुड न्यूज़, तो वो फिल्म अच्छी थी इसके लिए वजह वो सब चल गई। ये फिल्म में लोग घुसट रहे सब डायलॉग्स, बोल्ड डायलॉग्स और सब, उससे नहीं चलती पिक्चर। तो कियर आडवाणी इज़ गुड बट द फिल्म, बिकॉज ऑफ द फिल्म द परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन। आदित्य सील अच्छे लग रहे हैं लेकिन उनका भी काम कुछ खास नहीं है, कुछ जगह पे उनका डायलॉग डिलीवरी बहुत वीक है, बट अच्छे लग रहे हो। और उसकी जो किरण आडवाणी की जो फ्रेंड बताई है, उसका परफॉर्मेंस ना बोलूँ तो ही अच्छा है, बिकॉज शीज है ज़ीरो एक्सप्रेशंस। उसको क्यों लिया वो पता नहीं, समझ में नहीं आया उसको कि उसकी जगह और किसी को कास्ट करते तो शायद अच्छा होता। और डायरेक्टर ने तो इतनी घटिया फिल्म बनाई है कि मेरे ख्याल से ये फिल्म OTT पे आती थी ना तो वहाँ तो डिजास्टर, वही भी डिजास्टर ही होती। ये फिल्म OTT की भी नहीं है, ये फिल्म डायरेक्ट TV पे दिखानी चाहिए फ्री में। तो थिएटर में तो फिल्म कोई देखने को जाएगा नहीं, आई एम श्योर, आई थिंक टुडे और टुमारो दे टू, उसका शोज कैंसिल होने वाले, उसको थिएटर में से निकलना पड़ेगा, बिकॉज पीपल आर नॉट एट ऑल विलिंग टू वॉच इंदु की जवानी इन थिएटर्स, बिकॉज द मूवी इज अ डिजास्टर। मेरे तो सर, मेरे आई वॉज जस्ट वेटिंग वेन द मूवी गेट्स ओवर, आई जस्ट गॉट ऑफ द थिएटर, हार्डली एनी पीपल इन द थिएटर, कुछ इक्का दुक्का लोग थे पीछे थिएटर में। तो ये फिल्म को मैं दूंगा 5 में से ओनली 1 स्टार, एक्चुअली 1 स्टार भी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी दे देता हूँ मैं। कियर आडवाणी लुक्स एक्चुअली वेरी प्रिटी, काम अच्छा किया है उन्होंने, बिकॉज द फिल्म इज वेरी वेरी बैड। भूषण कुमार एंड द प्रोड्यूसर इज इवन दिव्या खोसला, शी इज लुक्स वेरी प्रिटी, वो शो भी हीरोइन रह चुकी है। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी यारिया,
तो आई थिंक ये दिव्या कुरसला ने फिल्म डायरेक्ट की होती ना, आई थिंक शी वुड हैव मेड अ बेटर फिल्म, शायद फिल्म हिट भी हो जाती क्योंकि यारे फिल्म दिव्या कुरसला ने हिट बनाई थी। तो ये अगर अबीर सेन गुप्ता की बजाय दिव्या कुरसला ने डायरेक्ट किया होता तो शायद ये फिल्म अच्छी हो जाती, अदरवाइज ये डायरेक्ट अब सेन गुप्ता जी ने ये फिल्म बहुत ख़राब बनाई है, ऑडियंस को समझ में नहीं आई ये फिल्म और ऑडियंस को मज़ा भी नहीं आ रहा है और थिएटर भी अभी बंद हो रहे हैं और हिंदू की जवानी की वजह से थिएटर भी बंद हो रहे हैं। और अब जैसे मैंने पहले कहा था कि सिर्फ ए लिस्ट एक्टर्स ही थिएटर्स को बचा पाएंगे, जैसे अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, सलमान खान की राधे और रणवीर सिंह की 83, ये तीन फिल्में कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये तीन फिल्में थिएटर में आएगी तो ही कुछ हो पाएगा, तो ही सिंगल स्क्रीन थिएटर बच पाएंगे, वरना सिंगल स्क्रीन थिएटर तो बंद होने के कगार पे आ ही चुके हैं। दे आर गोइंग इन ह्यूज ह्यूज लॉसेस, सेम विद द मल्टीप्लेक्स। तो ये मेरा व्यूज था इंदू की जवानी के लिए। जैसे आपने मैंने पहले भी कहा था इंदू की जवानी लेट 80s में रेशमा की जवानी, शीला की जवानी नाम की दो फिल्में आई थी, दे वर एक्चुअली वेरी पॉपुलर फिल्म और उसमें से एक गाना भी बना था फराह खान जी की फिल्म 30 मार्का में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ पे शीला की जवानी नाम का। तो डेट वॉज, तो शीला की जवानी दैट वॉज अ वेरी पॉपुलर फिल्म इन द लेट 80s, बट इंदू की जवानी इज अ फ्लॉप फिल्म, इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस। सो गाइज डोंट वॉच इंदू की जवानी, थिएटर्स में तो आप जाएगी नहीं, आई डोंट नो हाउ विल वॉच इट, बट इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच गो ऑन योर ओन रिस्क। अगर आप जा रहे हो तो आपकी जवानी पर मुझे तरस आ रहा है। I can't say anything more. This is Boy Boy saying goodbye and God bless you all.